अस्सलाम वालेकुम माय टू फैमिली, आई होप कि आप लोग ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे और मज़े में होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। और आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ बहुत ज़बरदस्त सा व्लॉग। आपने इसको फुल वॉच करना है और मुझे फीडबैक देना है। तो भाई सबसे पहले मैं आप लोगों के साथ शेयर करने लगी हूँ मटन कलेजी की रेसिपी, जिसे मैंने जो है सिरका लगा के और थोड़ी देर के लिए उसमें सिरका ऐड किया था, उसके बाद जो है मैंने उसको वॉश करके रख दिया था। अब जो है मैंने इस कलेजी के अंदर जो है मोटा मोटा लहसुन अदरक कूट के वो मैंने इसके अंदर ऐड किया है, और इसके अलावा मैं इसके अंदर ऐड करने लगी हूँ 2 टेबलस्पून के बराबर सिरका, और 1 टेबलस्पून के बराबर मैंने इसके अंदर ऐड किया है धनिया पाउडर, जो कि मैंने इसको रोस्ट करके ड्राई करके वो मैंने इसके अंदर ऐड किया। इसके बाद जो है मैंने इसके अंदर ऐड किया है रोस्ट किया हुआ ज़ीरा, जिसे मैंने हाथ से ही बस सिंपली इसको ऐसे क्रश किया है और वो मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया है। इसके अलावा मैं इसके अंदर ऐड करूँगी 1 टेबलस्पून के बराबर रेड चिली पाउडर, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। इसके बाद मैंने इसके अंदर 1/2 टेबलस्पून के बराबर गरम मसाला ऐड किया है, और इसके बाद मैं इसके अंदर ऐड करूँगी हल्दी पाउडर। हल्दी पाउडर जो है वो भी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड कर सकते हैं, मैंने 1/2 टेबलस्पून इसके अंदर ऐड किया है। इन सब चीज़ों को मैंने अच्छे तरीके से मिक्स कर दिया है, और इसको मैं तकरीबन 40 मिनट्स के लिए मैरिनेट करके रख दूँगी। इसके बाद जब हमारे 40 मिनट्स हो जाएंगे तो फिर मैं इसको फ्राई करूँगी। तो आप लोग ये देख सकते हैं कि मैंने इसको बिल्कुल अच्छी तरीके से मिक्स कर दिया है, तमाम मसाले जो हैं इसके अंदर जो है 40 मिनट्स में ऑब्जर्व हो जाएंगे, और इसका जो टेस्ट होगा वो बहुत ज़बरदस्त आएगा। तो बस अब यहाँ पे मैंने जो है ये तवा ले लिया है, क्योंकि तवा फ्राई कलेजी है तो उसमें तवे पे ही बनाऊँगी। तो इसके लिए मैंने सबसे पहले जो है 1/2 कप के बराबर जो है इसके अंदर ऑयल ऐड किया है, और ऑयल जब हमारा गर्म हो जाएगा तो हमने जो कलेजी जो मैरिनेट करके रखी हुई थी वो हम इसके अंदर डाल देंगे। ये इतनी सिंपल इंग्रेडिएंट्स हैं, अमूमन हर घर में ही मौजूद होते हैं, और आप लोग इसको इजीली बना सकते हैं और अपनी फैमिली को बना के खिलाएं तो ये बड़े मज़े की बनके रेडी होती है। मेरे हस्बैंड को बहुत पसंद है, तो भाई मैं उनके लिए बना रही थी ये, जबकि मेरे बच्चे नहीं खाते हैं। तो अगर आप लोगों के हस्बैंड को भी पसंद है तो भाई सिस्टर आप लोग ज़रूर बनाइएगा, और मुझे फीडबैक भी दीजिएगा कि अगर आपने मेरी रेसिपी से बनाया तो आपके हस्बैंड को कैसी लगी। तो ये मैंने जो कलेजी थी वो मैंने तवे पर डाल दी है, और अब मैं इसको तवे पे अच्छी तरीके से फ्राई करूँगी ऑयल के साथ, ताकि इसका जो ब्लड का पानी है वो थोड़ा सा ड्राई हो जाए। और आँच जो है वो मैंने थोड़ी सी तेज़ की है, क्योंकि इसकी जो हीट थी वो बहुत स्लो थी। तो बस अब मैं इसको थोड़ा सा अच्छी तरीके से जो है इसको वाटर वगैरह जो है वो ड्राई कर लूँगी, क्योंकि अब सर्दियाँ आ गई हैं, तो सर्दियों में तो दिल चाहता है इस तरह के गोश्त वगैरह खाने का। गर्मियों में ये होता है कि भाई हम अमूमन जो है दाल सब्ज़ी वगैरह ही बना रहे होते हैं, गोश्त वगैरह नहीं खा रहे होते, लेकिन सर्दियों में ये होता है कि हम जो है ज़्यादातर लोग जो है पाए और जो है बाजरे की रोटी इस तरह की चीज़ें बन रही होती हैं। तो इसकी भी मैं रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। जिन लोगों ने मेरा चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दें, और मुझे फीडबैक ज़रूर दिया करें, कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताया करें कि अगर आप लोगों ने मेरी रेसिपी देखी तो आप लोगों को कैसी लगी। तो बस ये देख सकते हैं आप लोग के कलेजी जो है वो बिल्कुल, इसका मसाला जो है वो बिल्कुल ड्राई हो गया है, और अब जो है मैंने 2 टेबलस्पून के बराबर इसके अंदर ऐड की है दही, और अब मैं इसको इसके दही के पानी को भी बिल्कुल ड्राई कर लूँगी। तो ये आप लोग देख सकते हैं इसकी लुक के कितनी ज़बरदस्त आई है, और जो है ये बहुत ज़्यादा लेंथी भी नहीं है, बहुत मज़े की बन के रेडी होती है। 2-3 तरह की कलेजी की रेसिपीज मैं आप लोगों के साथ पहले भी शेयर कर चुकी हूँ, तो ये भी आप लोग ज़रूर बनाइएगा और मुझे फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। और जो लोग मुझे इतने प्यारे प्यारे कमेंट्स करते हैं उनका बहुत बहुत शुक्रिया मुझे पसंद करने का, मेरे चैनल को लाइक करने का, सब्सक्राइब करने का, क्योंकि अभी जो है मेरे सब्सक्राइबर जो हैं 2000 हो गए हैं। तो सबसे पहले तो अल्लाह ताला का बहुत बहुत शुक्र है, और आप लोगों का भी बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोगों ने मेरे चैनल को लाइक किया, शेयर किया, सब्सक्राइब किया, और मुझे बहुत अच्छे अच्छे कॉमेंट्स किए, मुझे सपोर्ट किया, तो थैंक्स अलॉट। और अब जो है मैंने इसके अंदर ऐड की है 1 टेबलस्पून के बराबर ब्लैक पेपर। ब्लैक पेपर ज़रूर ऐड कीजिएगा, इससे जो है इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। सॉल्ट अच्छा मैंने अभी तक इसके अंदर ऐड नहीं किया है, सॉल्ट जो है वो हम लास्ट में ही ऐड करते हैं कलेजी में, क्योंकि अगर हम स्टार्टिंग में ऐड कर देंगे तो हमारी जो कलेजी है वो बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाएगी, बहुत ज़्यादा सख्त हो जाएगी, बिल्कुल भी सॉफ्ट नहीं होगी। तो बस ये कलेजी जो है बस आपको जब है ना डिश आउट करना हो तो जब भी आप इसके अंदर ऐड करें सॉल्ट कलेजी में, तो इससे जो है हमारी जो कलेजी होती है वो बहुत सॉफ्ट रहती है। तो बस ये हमारी कलेजी जो थी वो बनके बिल्कुल जो है
परफेक्टली बन चुकी थी और बहुत ज़्यादा सॉफ्ट भी हो गई थी। और अब मैं इसके अंदर ऐड कर दूंगी हरा धनिया, हरी मिर्चें काट के, तकरीबन 2 अदद हरी मिर्चें मैंने ली हैं और आप लोगों के सामने ही मैं इसको कट कर रही हूँ। बारीक बारीक मैंने इसके अंदर कट करके ऐड किए हैं ताकि इसका जो फ्लेवर है वो हम इजीली हम इसको खा भी सकें, क्योंकि ये खाने में बहुत अच्छी लगती हैं अगर हम बारीक हरी मिर्चें इसके अंदर ऐड करें तो। रोटी के साथ खाएँ आप इसको, नान के साथ खाएँ तो ये बहुत ज़बरदस्त बनती है। और इसमें जो है लेमन भी आप ऊपर से ऐड कर सकते हैं, जो लोग खाना चाहें खट्टा तो वो भी रस में डाल सकते हैं, तो उससे भी जो है इसका फ्लेवर जो है काफ़ी अच्छा आता है। और ये बस तकरीबन हमारी रेडी हो गई थी और मैं आप लोगों के साथ आप शेयर करूँगी अपनी किचन की एसेसरीज़ जो कि मैं लेकर आई थी, मैंने बाय की थी, तो वो मैंने सोचा कि मैं अपनी फैमिली के साथ भी शेयर करूँ। तो आप लोग जो है मेरा ब्लॉग जो है फुल वॉच कीजिएगा और मुझे बताइएगा कि आप लोगों को कैसी लगी मेरी किचन की चीज़ें। तो बस ये थी मेरी कलेजी की रेसिपी, इसको मैंने फ़ाइनल जो है इसका लुक आप लोगों को दिखा दिया है, देख सकते हैं कितनी मज़ेदार से इसकी शक्ल निकल कर आई है और खाने में जो थी ये बहुत ज़बरदस्त थी। आई होप कि आप लोग इसको ज़रूर ट्राई करेंगे और मुझे फीडबैक भी देंगे। तो जो है इसको आप तवे पर ही सर्व कीजिएगा ताकि जो है ये बड़ी मज़े की लगती है, इसको आप सिंपल ऐसे ही खा सकते हैं नान वगैरह के साथ। तो बस अब मैं आपको अपनी किचन की चीज़ें दिखाती हूँ। तो ये मैं आप लोगों के साथ शेयर करने लगी हूँ अपनी शॉपिंग जो कि मैं किचन के लिए नहीं है, अपने लिए चीज़ें वगैरह लेकर आई थी, तो मैंने सोचा कि ये मैं अपनी फैमिली के साथ भी शेयर करूँ। तो सबसे पहले जो मैं आप लोगों को बड़े काम की चीज़ दिखाने लगी हूँ, ये बड़े काम के जार्स हैं। एक स्पून जो है ना इसका इधर उधर हो गया है, जब मैं अपने हस्बैंड को दिखा रही थी कि भाई मैं ये लेकर आई हूँ, तो जो है ये जो है मसालों के लिए मैंने लिया है, क्योंकि ये जो ना किचन में हम इसमें सॉल्ट रख सकते हैं, रेड चिली पाउडर और धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर, ये सोच के मैंने इस पर्पज़ से इसको बाय किया है। ये जो है आपकी खाना बनाने के जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट मसाला जात होते हैं ना, वो आप सब जो है एक कंटेनर में ही आप इसको रख सकते हैं और जल्दी से ये झटपट से आप जो चीज़ों को जैसे ढूंढना नहीं पड़ेगा और इजीली जो है आप लोग इसमें से निकालें डालें और वापस इसको रख दें। तो ये बड़ा मुझे ना अच्छा लगा है, बड़ा काम का अच्छा लग रहा है। वैसे तो ये दराज पर भी अवेलेबल है लेकिन मैंने अभी दराज से फ़िलहाल अभी ऐसा कुछ लिया नहीं है, तो मैं वहाँ से भी बाय करूँगी तो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। इसके अलावा जो है मैंने ये थोड़ी सी मुझे यूनिक सी लग रही थी तो ये मैंने बाय की है, ये मुझे अच्छी लग रही थी, जैसे मैगी वगैरह जो है हम इसमें बना सकते हैं इजीली और उसका जो पानी वगैरह जो होता है उसको यहाँ से थ्रो आउट करते हैं, फेंकते हैं मतलब। और इसके अलावा जो है अक्सर हम वाइट सॉस वगैरह बनाते हैं तो उसमें हम इसको सॉस वगैरह बना के और इसमें सर्व कर सकते हैं। और इसके अलावा जो है एक मैंने ये लिया था, जैसे हम कोई जूस वगैरह बनाएं या फिर जो है कोल्ड कॉफ़ी वगैरह तो हम इससे जो है पी सकते हैं, ये मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा था मस्त, तो ये मैंने एक बाय किया है। इसके अलावा जो है ये मैंने सूप के लिए जो है कप लिए हैं, ये इसका स्पून है, अभी मैं आपको दिखाती हूँ इसको पूरा सेट को खोल के। और इसके अलावा जो है ये मैंने केक के लिए जो है कप, केक वगैरह बनाने के लिए सांचे वगैरह लिए हैं, उनको शेप वगैरह देने के लिए कुछ भी बना सकते हैं। और ये कुकीज़ कटर है, ये मैंने बाय किया था, ये देख सकते हैं आप लोग, ये भी बड़े काम की चीज़ है। और सबसे बड़ी जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये जो है एक मैंने ग्लास जार था, इसमें जो है मेजरमेंट वगैरह कर सकते हैं हम केक वगैरह बनाने के लिए, तो ये मैंने एक बाय किया है। और एक ये जो है सूप कप, ये देखिए कितना प्यारा लग रहा है, ब्लैक और गोल्डन वाइट, को जो है सूप बनाएं और इस तरह से जो है आप सर्व करें, तो ये मुझे बड़ी अच्छी लगी है। एक ये मैंने ली है, इसके अलावा जो है एक मैंने ट्रे ली थी फ्लॉक मतलब लीफ टाइप की, ये भी मुझे अच्छी लग रही थी तो ये मैंने ये बाय की है। और एक ये मैंने ये कप जो था ये मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा था, ये मैंने बाय किया है। ये है इसकी लुक, 470 का था ये प्राइस भी टैग जो है वो लिखे हुए हैं, ये भी मुझे काफ़ी प्यारा लग रहा था, क्यूट सा। किचन की ये मैंने आप लोगों के साथ शेयर की है, आई होप कि आप लोगों को अच्छी लगेगी और अच्छी लगे तो मुझे ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को मेरा आज का व्लॉग जो है वो कैसा लगा है। तो बस ये थी मेरी आज की वीडियो, आई होप कि आप लोगों को पसंद आई होगी, पसंद आए तो प्लीज़ मुझे फीडबैक भी दीजिएगा और मुझे ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को मेरा आज का व्लॉग जो है वो कैसा लगा। तो बस मैं मिलती हूँ आपसे न्यू व्लॉग में, न्यू रेसिपी के साथ, न्यू व्लॉग के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।